guys, welcome to this YouTube channel We Hack Now and guys, me Vedanshan and you are watching We Hack Now. Guys, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा लिनक्स के बारे में एंड गाइस लिनक्स क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कर्नल है एंड गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ लिनक्स के बेसिक कमांड्स के बारे में कि कैसे आप लिनक्स के कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन में इजिली फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हो आई मीन डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हो या फिर कैसे आप इसका यूज कर पाओगे जो कि सीएलआई मोड में इसे आप कैसे यूज करोगे देन गाइस मैं बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि लिनक्स होती क्या चीज है ये कैसे काम करती है देन इसके क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशंस है ये इतने ज्यादा फेमस क्यों हुआ ये ओपन सोर्स क्यों है ये कर्नल क्या होता है ये सारी चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट सो गाइस अब हम बात करते हैं कि लिनक्स के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में गाइस मैं आपको बताना चाहूँ कि लिनक्स जब स्टार्ट हुआ था वो एफ्रॉक्स 1991 में इसका स्टार्टिंग पॉइंट था जिसमें लिनस टॉरवाल्ड था जो कि एक स्टूडेंट था जिन्होंने एक लिनक्स के प्रोजेक्ट को लिया और इसने खुद का कोड रन किया आई मीन लिनक्स यूनिक्स पे बेस्ड नहीं है बिकॉज यूनिक्स की दूसरे कोड है दूसरे प्रोग्राम्स है बट कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूनिक्स के ऊपर बेस्ड है बट यूनिक्स के ऊपर ये लिनक्स बेस्ड नहीं है बिकॉज लिनक्स दूसरी ही चीजों से बना है जो हमारे लिनक्स टॉरवाल्ड है जिन्होंने इसका कोड लिखा वो बेसिकली यूनिक्स को थोड़ा सा रीड किए बट एज इट इज कॉपी नहीं किए बिकॉज यहाँ पे जीएनयू के बेस पे लिनक्स को लॉन्च किया जो कि 1991 में जब लिनक्स को लॉन्च किया तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया बिकॉज ये ओपन सोर्स था उस टाइम गाइस एक कम्युनिटी चल रही थी एक प्रोग्राम चल रहा था जो फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से था 1991 में जीएनयू चल रहा था बिकॉज जीएनयू एक ऐसा है जो कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है दैट इज जीएनयू तो जीएनयू का मीनिंग ये है कि बहुत सारे कलेक्शन रहता है सॉफ्टवेयर का जिसको मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है राइट तो बहुत सारी कंपनीज जो थी 1991 के टाइम ये सारे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पैड रखी थी बिकॉज इसे उन्हें परचेस करना पड़ता था जिसका एफ्रॉक कॉस्ट $200 या फिर मिलियन यू नो बहुत सारे हैवी कॉस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस करने के लिए बट यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट थी मैक थी देन यहाँ पे आईबीएम थी जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है ये सारा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च कर चुकी थी जो कि पैड था इसमें कुछ भी सर्विसेज आपको यूज करना था इसके लिए आपको पैसे पे करना पड़ता था बट यहाँ पे जो लिनक्स टॉरवाल्ड था जिन्होंने अपना लिनक्स लॉन्च किया तो ये यूनिक्स के ऊपर बेस्ड नहीं था ये यूनिक्स से जस्ट अपोजिट था बिकॉज ये जीएनयू के ऊपर बेस्ड था जो लिनक्स है ये जीएनयू के ऊपर बेस्ड है गाइस मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँ लिनक्स के बारे में तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है लिनक्स इज ए कर्नल इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी लिनक्स कर्नल क्यों है ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं है बट लोग इसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों से मिलकर बनती है फर्स्ट है जो भी जीएनयू है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर जिसे हम जीएनयू बोलते हैं तो बहुत सारी कलेक्शन रहता है सॉफ्टवेयर को उसको मिला के और कर्नल को मिला के ये दोनों चीजों को मिला के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है तो यहाँ पे जो फर्स्ट है लिनक्स इज ए कर्नल लिनक्स का कर्नल हो गया प्लस जीएनयू जो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है ये दोनों को मिक्स कर दिया गया उसके बाद जो नाम दिया गया ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये दोनों को मिलाकर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है बट ये एक तरीके से गलत नहीं है बट लिनक्स इज ए कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आई नो लिनक्स पूरा एक कर्नल है ओपन सोर्स कर्नल है इसके सोर्स कोड को आप रीड कर सकते हो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड कर सकते हो बिकॉज लिनक्स ओपन सोर्स रखा गया जो हमारे लिनक्स टॉरवाल्ड थे जिन्होंने इसका इन्वेंशन किया 1991 में तो इनका मेन मकसद ये था कि लोगों तक ये चीज पहुंचे जो फ्री में इसका यूज करे अपना प्रोजेक्ट के ऊपर काम करे तो ऐसे में गाइस जब लिनक्स को ओपन सोर्स कर दिया गया 1991 के बाद उसके बाद 1995 तक ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो लिनक्स के सोर्स कोड को कॉपी करना स्टार्ट किया और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते गए लाइक जो रेड हैट है मिंट है पेडोरा है या फिर मिंट ओएस जो बोलते हो ये सारी कम्युनिटी है जैसे कि रेड हैट एक ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी है जो खुद का ओएस बिल्ड करती है काफी अच्छे सर्विस प्रोवाइड करती है अपना सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर कोई सा भी
ओएस का, बिकॉज ये लिनक्स के सोर्स कोड को कॉपी किया और अपना पेस्ट करके कुछ चेंजेस कर दिया, उसके बाद उसे रेड हैट के नाम से लॉन्च कर दिया गया, जिसके बारे में काफी ज्यादा पॉपुलर है रेड हैट। आपको पता ही होगा कि रेड हैट के सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, एंड गाइस रेड हैट लिनक्स के ऊपर बेस्ड है, लिनक्स से होकर बना है, जैसे कि पेडोरा है, तो पेडोरा एक कम्युनिटी है, तो एक तरीके ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस बोल सकते हो। गाइस मैं लिनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहूंगा, जैसे कि लिनक्स के अंदर आता है आपका काले लिनक्स, फेडोरा, मिंट, उबंटू एंड इसके सारे मिंट ओएस हो गया, रेड हैट हो गया, ये सारी कंपनीज है, बट ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना, डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज ये सारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स के ऊपर बेस्ड है। तो अपना ये पॉपुलर इतना ज्यादा इसलिए हुआ बिकॉज ये सारे ओपन सोर्स है, लिनक्स तो ओपन सोर्स है बट लिनक्स एक कर्नल था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी चीज को मॉडिफाई करके रेड हैट लॉन्च किया, मिंट लॉन्च किया, इसके साथ फेडोरा लॉन्च किया, पैरोट लॉन्च किया, इसके साथ काली लिनक्स, उबंटू, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस लॉन्च कर दिए जो कि ओपन सोर्स रख दिए गए। इसके अंदर उन्होंने पर्सनल सर्विस देने स्टार्ट किया कि आप मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेते हो तो हम आपको पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस काफी ज्यादा फेमस हो गए मार्केट में। गाइस मैं आपको बताना चाहूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, पहला CLI, दूसरा GUI। पहला है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसपे आप कोई भी कमांड रन करते हैं, जिससे आप एक फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, कमांड के थ्रू आप एक कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करते हो, फोल्डर क्रिएट करते हो, राइट। बट यहाँ पे जो GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इसका एग्जांपल है अपना माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी विंडो के डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हो, लाइक विंडोज CIVR या फिर विंडो 10। ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे GUI मोड देखने को मिल रहा है ग्राफिकली। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कहीं भी सीखना नहीं पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसे एक बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है। बट यहाँ पे बात करते हैं लिनक्स के बारे में, तो लिनक्स को आपको सीखना पड़ेगा, कमांड्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको डायरेक्टरीज कैसे बनाते हैं, फाइल फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, यूजर फाइल रूट, ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप लिनक्स को ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, GUI एंड CLI। तो बेसिकली ये दोनों के ऊपर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। अब हम बात कर रहे हैं लिनक्स के बारे में। तो लिनक्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि लिनक्स के ऊपर बेस्ड इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अपना डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी क्रिएट कर लिए हैं, इसके ऊपर वो अपना खुद का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे लिनक्स इतना ज्यादा फेमस हुआ। बिकॉज लिनक्स के अंदर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना चाहेंगे, जैसे कि काली लिनक्स, ठीक है। तो काली लिनक्स के अंदर इतने ज्यादा फेमस क्यों है? बिकॉज इसका यूज हैकर्स करते हैं, पेन टेस्टर करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिसका यूज करके आप पेन टेस्टिंग कर सकते हो, नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हो, पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो, बहुत सारे पेलोड जनरेट कर सकते हो, एक मेटास्प्लॉइट टूल है जिससे आप पेलोड क्रिएट कर सकते हो, सॉर्डन एक सॉफ्टवेयर है जो कि लिनक्स के अंदर बिल्ड रहता है, काली लिनक्स के अंदर, जिसके अंदर आप जो भी IoT डिवाइसेस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उससे आप नॉर्मली रीड कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। इसके साथ एक ब्राउजर है DuckDuckGo जो कि काली लिनक्स के अंदर बिल्ड नहीं रहता है, जिससे आप सिक्योर तरीके से प्राइवेटली आप सर्चिंग कर सकते हो। ये सारे फीचर्स है काली लिनक्स के अंदर, मल्टीपल आपको इसमें टूल्स देखने को मिलते हैं जिससे ये हैकिंग के लिए काफी बेस्ट माना जाता है। बिकॉज मैं सिर्फ खुद पर्सनली यूज करता हूँ काली लिनक्स, एक तरीके से बोल सकते हो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट लिनक्स इज ए कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया लिनक्स और GNU दोनों को मिला दिया जाए तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मार्केट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप कोई चीज परचेस करते हो उसका एक नाम है तो लोगों को थिंकिंग में ये चीज सेट हो जाती है कि ये यही चीजें हैं, तो ऐसे ही लोग मानते चलते हैं, इसीलिए लोग ज्यादातर बोलते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बट यहाँ पे फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा लिनक्स इज ए नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज ए कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक कर्नल है गाइस, आप लिनक्स कर्नल के साथ GNU मिला दो तो ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। बिकॉज यहाँ पे GNU कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे कलेक्शन रहते हैं सॉफ्टवेयर का, इसको मिला के और कर्नल दोनों को मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। मैं ये चीजें बार बार आपको समझा रहा हूँ बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम अलग चीज है, कर्नल अलग चीज है। कर्नल का मेन काम रहता है हार्डवेयर को डिटेक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शन का काम करता है।
यू नो यूजर को जो चीज रीड करनी होती है वो यहीं से रीड करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक नॉर्मल ओएस और एक लिनक्स के ओएस के बारे में, बिकॉज लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में आपको बताना चाहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे यूजर किस तरीके से फेस करता है। सपोज मुझे कोई गेम को प्ले करना है, राइट, सपोज मैं कोई भी एक प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले मैं जो अपना स्टार्ट करूंगा जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस है लाइक माउस वगैरह हो गया, तो माउस से मैं उस चीज को इनपुट दे रहा हूँ, राइट, तो ये इनपुट जा रहा है कंप्यूटर्स के अंदर, तो ये जो मैंने इनपुट दिया वो सबसे पहले यूजर, मैं एक यूजर हूँ, मैं यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए मतलब एंटर किया किसी चीज को एक्सेस कर ले किसी प्रोग्राम को ओपन कराने के लिए, तो यहाँ पे मैंने अपना इनपुट दिया प्रोग्राम को क्लिक किया, तो मैं यूजर का इंटरेक्शन हो रहा है सेल के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक सेल है जो कि सेल और यूजर दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो सेल के ऊपर होता है। सेल के बाद जाता है गाइस वो एक कर्नल के पास, बिकॉज सेल के पास जाएगा कर्नल, कर्नल के पास जाएगा हार्डवेयर, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज समझना, मैं नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि लिनक्स के केस में हम अगर बात करें तो यूजर अट्रैक्शन करता है सेल के पास, सेल रिक्वेस्ट डालती है कर्नल के पास, कर्नल रिक्वेस्ट डालती है हार्डवेयर के पास, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग है। अगर हम विंडो के केस में बात करें तो विंडो के केस में अगर कोई सॉफ्टवेयर को आपको ओपन करना है तो आप एज ए माई यूजर हूं, मुझे एक मीडिया प्लेयर ओपन करना है लाइक दिस पीसी मुझे ओपन करना है, तो मैं नॉर्मली कमांड लाइन पे तो नहीं करूंगा बिकॉज विंडो का जो इंटरफेस है वो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो मैं सिंपली आइकन को क्लिक किया, जैसे मैं आइकन को क्लिक करता हूँ वो एक तरीके से बैकग्राउंड में कमांड रन हो रही है जो हमें दिखाई नहीं देती, उसे हम सेल बोल सकते हैं, बिकॉज सेल का यही मीनिंग है कि जो भी चीजें आप क्लिक कर बैकग्राउंड में प्रोग्राम रन होती है कमांड रन होने लगती है जो हमें वर्चुअली दिखाई नहीं देती है, मशीनी लैंग्वेज में होती है 0101 के फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि सेल का काम रहता है उस चीज को सेकंड पर्सन को रिडायरेक्ट कराना, सेल रिडायरेक्ट करेगा अपने ओएस के पास, ओएस रिडायरेक्ट करेगा कर्नल के पास, कर्नल रिडायरेक्ट करेगा हार्डवेयर के पास, फिर हार्डवेयर उस चीज को ऑन कर देगा, जैसे कि मुझे एक गेम खेलना है तो हार्डवेयर को पता चलेगा कि इसके लिए ग्राफिक कार्ड भी चाहिए, इसके लिए रैम भी चाहिए, प्रोसेसर भी चाहिए, ये सारी चीजें को वो ऑन करेगा। तो एक तरीके से मेरा बताने का मतलब ये है कि ये पूरा प्रोसेस है, यूजर पहले इंटरेक्शन करता है सेल के पास, सेल इंटरेक्शन करता है ओएस के पास, ओएस इंटरेक्शन करता है कर्नल के पास, कर्नल रिस्पॉन्स करता है हार्डवेयर के पास, उसके बाद सारी चीज को वो ऑन कर देता है। जैसे आप पूरे प्रोग्राम को रन करा पाते हो, फाइल फोल्डर को ओपन कर पाते हो, चीजों को रन करा के यूज करते हो, यह पूरा बेस्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये पूरा फंडा है। अब हम बात करते हैं लिनक्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स इज ए कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एक कर्नल है, ओके गाइस। सेकंड में हम बात करते हैं कि लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसे हम कैसे भी इसके सोर्स कोड को कॉपी करके अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम को चेंज करके। इसके बाद थर्ड जो है इसके बारे में हम बात करते हैं कि लिनक्स यूनिक्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, लिनक्स यूनिक्स के सोर्स कोड को कॉपी करके नहीं बनाया गया है, बिकॉज जो लिनक्स है ये खुद के प्रोग्राम को रन करता है, खुद का इसका अलग से कोड है जो कि डेबियन ने इसे क्रिएट किया था, तो ये यूनिक्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, ओके गाइस। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स के साथ बहुत सारी कलेक्शन रहता है सॉफ्टवेयर के, इसको अगर हम मिला दें कोई सा भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ तो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिनक्स इज ए कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके कर्नल ओपन सोर्स होते हैं जो कि नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लाइक मैं मैक बोलना चाहूंगा या फिर आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे इसके कर्नल ओपन सोर्स नहीं होते, इसे आप नॉर्मली रीड नहीं कर सकते, बट लिनक्स के केस में इसे आप नॉर्मली रीड कर सकते हो, ये फीचर्स प्रोवाइड करता है लिनक्स। अब हम बात करते हैं लिनक्स के कुछ एडवांटेज के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं तो लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओपन सोर्स कर्नल है, ऐसे आप बोल सकते हो। सेकंड केस में हम बात करें तो लिनक्स लाइट वेट है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो लो हार्डवेयर में भी ये सपोर्ट करता है। सपोज आपका कॉन्फ़िगरेशन कम है आपके लैपटॉप का या फिर आपके कंप्यूटर का, फिर भी आप लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो बिकॉज ये लाइट वेट है, कम हार्डवेयर में भी अच्छे तरीके से रन करता है।
सेकंड चीज के बारे में हम बात करें तो लिनक्स के अंदर आप मल्टीपल चीज को यूज कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, एक ही साथ बहुत सारे प्रोग्राम को आप रन करा सकते हो, जो कि अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में पॉसिबल नहीं होता। ये सारी चीजें को आप क्रिएट कर सकते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज के साथ, तो लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि अलग अलग पर्पस के लिए बनाए गए हैं, जिससे आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। कि लिनक्स में आपको एज ए सर्वर भी मिलता है, जैसे कि रेड हैट हो गया, जो कि खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन, खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिनक्स के ऊपर बेस्ड है। इसके साथ आपको फेडोरा मिलता है, मिंट मिलता है, यहाँ पर आपको पेरोट मिलता है, पेन टेस्टिंग के लिए काली लिनक्स मिलता है, उबंटू मिलता है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स के जो अलग अलग पर्पस के लिए बनाए गए, जिसे आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लिनक्स के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझते हैं। सपोज लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप मान के चलते हो, तो ऐसे में एक विंडो है, विंडो के केस में हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, बट विंडो को ना बोल के लिनक्स के केस में हम लिनक्स बोलेंगे, राइट। इसी के साथ अगर आप विंडो के अंदर कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हो, तो लिनक्स के केस में उस फोल्डर को आप क्या बोलोगे, डायरेक्टरीज बोलोगे। इसके साथ मैं कुछ और चीजों के बारे में आपको बताना चाहूँ कि लिनक्स में आपका जो यूजर है, जैसे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे ज्यादा अथॉरिटी होती है चीजों को एक्सेस करने की, ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है। बट लिनक्स के केस में इसे रूट बोलता है, इसे रूट डायरेक्टरीज बोलते हैं, रूट को ज्यादा एक्सेस करने का परमिशन मिलता है, ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, जिसे हम रूट बोलते हैं। विंडो के केस में एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स के केस में रूट बोला जाता है। इसके साथ हम मेन चीज के बारे में अगर बात करें, तो वो डायरेक्टरी फोल्डर, ये चीजें अलग अलग है। विंडो के केस में क्या बोलते हैं, फोल्डर, और लिनक्स के केस में डायरेक्टरीज बोला जाता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई सा भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो एज ए उसे सॉफ्टवेयर बोला जाता है, राइट। कोई भी एक एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट इज सॉफ्टवेयर। बट यहाँ पे लिनक्स के केस में अगर कोई सा भी ऐप या फिर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिनक्स में इंस्टॉल करते हो, तो इससे पैकेज बोला जाता है। बोलते हैं ना कि मैं पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। लिनक्स के केस में पैकेज बोला जाता है, विंडो के केस में सॉफ्टवेयर बोला जाता है। ये बहुत सारे मेजर डिफरेंसेस है, इसे आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं लिनक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर पाएंगे, इसमें हम डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे, फोल्डर क्रिएट करेंगे, फाइल बनाएंगे, फिर फाइल को कॉपी करेंगे, ये सारी चीजें कैसे होती है, कैसे हम फाइल को मूव करा सकते हैं, कॉपी पेस्ट कट, ये सारी चीजों को हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं आगे। और चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन में। सो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपने मशीन में आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल को ओपन कर लेना है। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपना टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसे फुल साइज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, टैब को मैंने फुल कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गाइस कि विंडो के केस में होता है एडमिनिस्ट्रेटर, जिससे सारी अथॉरिटी होती है, सारी फाइल्स, सारी डायरेक्टरीज को डिलीट करने की, एक्सेस करने की, सारा चीज अथॉरिटी होता है एडमिनिस्ट्रेटर को। जैसे कि विंडो में पता है आपको, लोकल अकाउंट होता है, गेस्ट अकाउंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। बट हम बात करें काली लिनक्स के केस में, तो यहाँ पर जो अकाउंट्स को मेन अथॉरिटी प्रोवाइड होता है, वो होता है रूट। जी गाइस, रूट यूजर के लिए जो होता है सुपर यूजर, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि रूट यूजर, उसको सारी चीज की अथॉरिटी होती है, लाइक कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना, कोई भी डायरेक्टरी को डिलीट करना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, रूट एट रेट काली, तो सबसे पहले हम जो कमांड डालने वाले हैं, हम इसे रूट बना लेते हैं। तो रूट के लिए आपको सबसे जो फर्स्ट कमांड डालना है, sudo। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ sudo, तो sudo, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, sudo के बाद मैं su लगा देता हूँ, उसके बाद सिंपली मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं अभी रूट डायरेक्टरी में हूँ। इस तरीके से सबसे पहले आपको sudo कमांड को फिल करना है, उसके बाद एक रूट डायरेक्टरी में चले जाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले फाइल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि कैट कमांड की हेल्प से आप कोई सा भी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कैट कमांड के थ्रू एक फाइल क्रिएट करना है, तो वो कैसे करेंगे आप? इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, कैट कमांड के थ्रू आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसमें एडिट कर सकते हो, लाइक एडिट नहीं बोलना चाहिए, उसमें कुछ भी कंटेंट को आप राइट कर सकते हो, लिख सकते हो, कुछ भी डेटास डाल सकते हो।
एज ए कैट कमांड की हेल्प से आप एक फाइल्स बनाओगे, उस फाइल के अंदर आप डेटा को भी राइट्स कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कैट कमांड, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कैट स्पेस, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का यूज़ करता हूँ। उसके बाद आपको जो भी फाइल का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर फाइल देता हूँ, आप देख सकते हो मैं फाइल वन दे दिया। ऑफ्टरनेट जैसे मैं यहाँ इंटर करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो फाइल वन है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर इसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम वी हैक नाउ, यहाँ पर आप देख सकते हो आई एम वी हैक नाउ। एंड गाइस यहाँ पर मैं कुछ भी चीज़ें राइट्स करूँगा वो मैं अभी राइट्स कर रहा हूँ इस डायरेक्टरी इस फाइल्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी चीज़ें लिख देता हूँ गो टू वी हैक नाउ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गो टू वी हैक नाउ मैंने लिख दिया। यहाँ पर ये सारी कंटेंट को आपको सेव करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको कंट्रोल डी का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल डी, तो यहाँ पर मैं वापस से रूट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आपने देखा मैंने कैट कमांड को यूज़ करके फाइल वन क्रिएट किया। तो मैं आपको बता दूँ सारे डायरेक्टरी सारे लिस्ट को आपको चेक करने के लिए आपको जो कमांड फिल करना है एलिस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सिंपली एक कमांड डालता हूँ एलिस। ऐसे में एलिस कमांड डालूंगा यहाँ पर मुझे शो कर रहा है फाइल वन। तो इस तरीके से आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, उसे एलिस कमांड के थ्रू आप देख सकते हो कि कौन सी फाइल क्रिएट हुई है। सो गाइस जैसा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने सिंपली एलिस कमांड को रन किया था, यहाँ पर मुझे फाइल वन दिखा रहा है। अब मुझे देखना है कि फाइल वन के अंदर क्या डेटा रखी है, उसे मैं कैसे रीड कर पाऊंगा। इसके लिए आपको एक सिंपल सा कमांड डालना है कैट फाइल वन। तो यहाँ पर मैं सिंपली कमांड को फिल कर देता हूँ कैट फाइल वन, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली। इसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो फाइल वन के अंदर यहाँ पर लिखा है वी हैक नाउ एंड गो टू वी हैक नाउ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा कंटेंट यहाँ शो कर रहा है। इस तरीके से आप कोई सा भी एक फाइल उसको क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसी इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद गाइस अगर मैं फाइल टू क्रिएट करना चाहता हूँ तो सेम प्रोसेस के साथ आप फाइल टू क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कैट, उसके बाद आपको ग्रेटर देन देना है, यहाँ पर आपको फाइल का नाम डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ फाइल टू दे दिया, उसके बाद मैं एंटर किया, यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली मैं यहाँ पर कुछ भी नाम डाल देता हूँ गोट। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कोई सा भी एक रैंडम सा नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। आप देख सकते हो मैं कुछ भी अननेसेसरी चीज लिख दिया। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको कंट्रोल डी करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं रूट डायरेक्टरी में आ चुका हूँ। इस तरीके से आप मैं फाइल टू को भी क्रिएट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं एलिस कमांड को रन करता हूँ तो यहाँ पर आपको दोनों डायरेक्टरीज दिखाई देंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल वन फाइल टू। इस तरीके से आप फाइल वन फाइल टू को क्रिएट कर सकते हो और इसके अंदर आप डेटास को भी रीड कर पाओगे। जैसे कि सेम केस में यहाँ पर मैं मुझे शो करना है, मैं कैट कमांड को डालता हूँ आफ्टर यहाँ स्पेस करके फाइल टू। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल टू के अंदर कौन सी कंटेंट रखी है, कौन सा डेटा है। यहाँ से कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जो चीज़ें राइट किया था उसे आप रीड कर सकते हो। इस तरीके से आप एक फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया कि आपको ये सारी चीज़ों को कैसे यूज करना है। इसके बाद गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ कैट के थ्रू आप क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है गाइस कैट कमांड का यूज करना। कैट कमांड के थ्रू आप एक फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, उस फाइल्स के अंदर कुछ भी चीज़ें आप राइट्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को आप कर पाओगे कैट कमांड के थ्रू। तो यहाँ पर आपको कुछ भी फाइल के अंदर मर्ज करना है, जैसे कि यहाँ पर फाइल वन और फाइल टू दोनों का डेटा आपको एक ही फाइल के अंदर डालना है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली एक कमांड डालता हूँ कैट टू डाल देता हूँ। जैसे कि इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना, स्पेस डाल के ग्रेटर देन डालना है। इसके बाद मैं एक नया फाइल बनाने वाला हूँ, जैसे कि एक्स बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल एक्स। इसके बाद मैं सिंपली एंटर करता हूँ तो यहाँ पर वो फाइल क्रिएट हो चुका है। तो अगर मुझे इसे शो करना है तो मैं एलिस कमांड को रन करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल वन फाइल टू प्लस फाइल एक्स, यहाँ पर इस तरीके से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखें
मैंने ls कमांड के थ्रू सारे डायरेक्टरी सारे फाइल्स को रीड कर पा रहा हूँ। तो गाइस इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने फाइल तो क्रिएट कर लिया, बट यहाँ पर आपने देखा कि मैंने फाइल x क्रिएट किया। तो जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ कमांड, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसको मैं रीड करना चाहता हूँ तो इसके अंदर वो दोनों फाइल मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल वन फाइल टू की डेटा कहाँ चली गई है, फाइल एक्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर पहले मैं आपको बताया कि कैट फाइल वन फाइल टू ग्रेटर देन फाइल एक्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा तो फाइल वन और फाइल टू की जो भी डेटाज है वो चली गई है फाइल एक्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कंट्रोल डी करके यहाँ से बाहर आ गया। अब आपको गाइस कुछ बेसिक से कमांड्स को फॉलो करना है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोल प्लस एल, जैसे ही आप करते हो कंट्रोल प्लस एल मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो मेरा जो स्क्रीन है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर मैं ls करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल वन फाइल टू और फाइल एक्स जैसे कि मैंने क्रिएट किया था। इसके बाद मैं आपको बता दूँ फाइल वन का डेटा फाइल टू में मुझे कॉपी करना है, तो इसके लिए मैं सिंपल सा कमांड डालूंगा कैट। गाइस अब मैं आपको बता दूं, अगर आप फाइल वन की डेटा फाइल टू में कॉपी करना चाहते हो इसके लिए बिल्कुल इजी सा कमांड है गाइस, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना है कैट, उसके बाद यहाँ पर आपको फाइल का नाम डालना है। जैसे कि मैं फाइल वन का डेटा फाइल टू में ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फाइल का नाम डाल देता हूँ फाइल वन। यहाँ पर आपको ग्रेटर देन का यूज करना है। आफ्टर डैट यहाँ पर आपको सेम कमांड जो भी फाइल है उसमें आप पेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं फाइल टू ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल वन की डेटा फाइल टू में सेंड हो रही है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आपको देख सकते हो कि फाइल वन की डेटा फाइल टू में सेंड हो रही है, यहाँ पर ग्रेटर देन का मैं यूज किया हूँ। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो कि फाइल वन की डेटा जा रही है फाइल टू में। तो यहाँ पर मैं सिंपली एंटर करता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि कैट फाइल वन और फाइल टू, जैसे कि मैं यहाँ कमांड को टाइप किया तो यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा है कि फाइल वन का डेटा कॉपी हुआ है कि नहीं फाइल टू के अंदर। इसको शो कराने के लिए अगर आपको देखना है कि फाइल वन का डेटा फाइल टू में कॉपी हुआ है कि नहीं, तो बिल्कुल सिंपल सा कमांड है, आपको यहाँ पर कैट फाइल टू डाल देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कैट। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कमांड को रन कर चुका हूँ, सिंपली मैं इसे एंटर करता हूँ। यहाँ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल वन की डेटा फाइल टू में कॉपी हो चुकी है। इस तरीके से आप कोई भी फाइल का पूरी डेटा को कॉपी कर सकते हो फाइल टू के अंदर। बिल्कुल ईजी है गाइस कैट कमांड का यूज करना। अब हम बात करेंगे गाइस टच कमांड के बारे में। यहाँ पर एक साथ बहुत सारे फाइल्स को आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा गाइस, मैं ls करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो फाइल वन फाइल टू फाइल एक्स मैंने क्रिएट किया। बट इसके बाद अगर मैं टच कमांड का यूज करूंगा तो मुझे ब्लैंक फाइल क्रिएट कर सकता हूं जिसमें कुछ भी कंटेन नहीं होगा, जिसे मैं राइट नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए आपको कमांड को रन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस टच के बाद आपको कुछ भी नहीं डालना, फाइल का नाम रेंडम से लिखने जाना है। यहाँ पर मैं फाइल फोर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं फाइल सिक्स डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं फाइल सेवन डाल देता हूँ, उसके बाद मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं फाइल एट। आप देख सकते हो मैं डिफरेंट फाइल क्रिएट कर चुका हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही एंटर करूँगा वो फाइल क्रिएट हो चुकी है। बट यहाँ पर जो फाइल क्रिएट हुई है वो पूरी तरीके से ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी कंटेंट नहीं है गाइस, ये ऑनली एक ब्लैंक फाइल है, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर मैं ls कमांड को रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल टू फाइल सिक्स फाइल एट फाइल वन फाइल फोर और फाइल सेवन, और जैसा कि मैं फाइल x भी क्रिएट किया था, सारे फाइल्स को आप यहाँ से रीड कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टैट फाइल वन का यूज करते हो, अगर आप स्टैट कमांड का यूज करते हो तो आपको जो भी फाइल का डिटेल निकालना है उसे आप निकाल सकते हो। लाइक जो भी मीटर डेटा है उसे आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी फाइल्स कोई भी डायरेक्टरीज के बारे में डिटेल निकालना चाहते हो, लाइक जो भी मीटर डेटा है उसे आप निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर आप डेट टू टाइम एंड जो भी डीप डिटेल्स है उसे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप कमांड देख सकते हो स्टैट, यहाँ पर आपको फाइल का नाम दे देना है। तो यहाँ पर मैं फाइल वन डाल देता हूँ,
उसके बाद सिंपली मैं यहाँ एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल वन कब मैं क्रिएट किया, कौन से डिवाइस में है, देन कौन से मोड में है, देन क्या क्या चेंजेस हुआ है, कितने टाइम में क्रिएट किया गया है, इतनी सारी डिटेल्स मुझे ये निकाल के दे दिया। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल्स का डिटेल निकाल सकते हो, जो भी उसका प्रॉपर्टीज है एक तरीके से आप चेक कर सकते हो, कितने MB का है, कितने साइज का है, कितने GB का है। इस तरीके से आप कोई भी फाइल्स का जो भी एग्जैक्ट डिटेल है, जो भी उसका प्रॉपर्टीज है, उसे आप देख सकते हो। सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ टैग कमांड के बारे में। यहाँ पर टैग कमांड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं कैट कमांड की हेल्प से फाइल बनाया, फाइल के अंदर कुछ राइट्स किया जिसमें मैं कुछ कंटेंट लिखा था। अगर आप टैग कमांड के बारे में जानते हो तो टैग कमांड का यूज करने से कोई भी फाइल्स के अंदर जो डेटाज है वो जस्ट उल्टी हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ टैग कमांड मैं डाल दिया, उसके बाद आपको फाइल का नाम डाल देना है। यहाँ पर मैं फाइल वन ले लेता हूँ। उसके बाद जैसे मैं इंटर करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो I am vhacknow and go to vhacknow, जस्ट ये उल्टा हो गया। जो पहले के जो वर्ड्स थे वो नीचे आ गए और नीचे के वर्ड्स ऊपर चले गए। इस तरीके से ये कमांड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इस कमांड का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने देखा डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के बारे में। मैं इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा बिकॉज आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना ये सारी चीज़ों के बारे में। सो गाइस, आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया कि लिनक्स क्या चीज है, ये कैसे काम करती है, कर्नल्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइस, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे आप अपने कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि लिनक्स है क्या चीज, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कैसे काम करती है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।